सिवनी मालवा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के टिकट वितरण के बाद जहां दोनों ही दलों में विद्रोह के स्वर उठ खड़े हुए हैं, तो वहीं अब कई स्थानों पर तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। दोनों ही पार्टी में अंदरूनी तौर पर उल्टे विरोध के बाद बाहर से भी प्रत्याशियों का विरोध उठना शुरू हो गया है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने लोबनसी समाज के जनाधार और समर्थन के चलते विधायक रहे प्रेम शंकर वर्मा पर ही अपना भरोसा जताया है, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व विधायक रहे ओम प्रकाश रघुवंशी के स्थान पर जाट समाज से आने वाले अजय पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। सिवनी मालवा में राजपूत समाज टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद में जुड़ गया है, जिसमें राजपूत समाज के वरिष्ठ लोगों के अलावा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पदाधिकारी भी साथ आ रहे हैं। रविवार को बानापुरा में हुई एक बैठक में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के प्रदेश पदाधिकारी रहे शंभू सिंह भाटी, कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह सोलंकी, साहित्यकार विजय सिंह ठाकुर के नेतृत्व में पत्रकार वार्ता आयोजित कर आगामी रणनीति पर चर्चा की गई, जहां भारतीय जनता पार्टी से शंभू सिंह भाटी टिकट की दावेदारी कर रहे थे, तो वही कांग्रेस से जितेंद्र सिंह सोलंकी ने अपनी दावेदारी रखी थी, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने राजपूत समाज की दावेदारी के अलावा अन्य लोगों को टिकट दे दी है। उपनगरी बानापुरा में भाटी हाउस में विधानसभा चुनाव को लेकर राजपूत समाज सहित अन्य समाज की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में करणी सेना के शंभू सिंह भाटी ने बताया कि हमारा समाज एक बड़ा और सक्रिय समाज है, परंतु किसी भी पार्टी के द्वारा समाज को विधानसभा चुनाव में भागीदारी नहीं दी गई है, जिससे कि समाज में आक्रोश है। सिर्फ राजपूत समाज ही नहीं, इसके अलावा यदुवंशी समाज, रघुवंशी समाज सहित अन्य बड़ी समाज को भी भागीदारी नहीं की गई है, जिसको लेकर हमारे द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी के द्वारा सर्वसहमति से निर्णय लिया गया है कि दो दिनों में एक अन्य बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें एक तीसरा मोर्चा बनाया जाएगा। मेरा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पार्टियों को प्रजातंत्र में कम से कम जनता की तो सुनी जाए कि जिनकी जितनी जनता जितनी संख्या उनकी उतनी भागीदारी तो होना चाहिए ना भाई। उठा के आपने किसी 5 लोगों को वोट दे दिया या 10 लोगों को दे दिया, 2,40,000 मतदाता है अपनी विधानसभा के अंदर, यदि किसी समाज के यदि 40,000 मतदाता है तो 2,00,000 मतदाता दूसरी समाज के लिए जीत ये 40,000 से नहीं हो सकती मित्रों। पर हमें आगे क्या करना है, आने वाली बैठक में आप लोगों ने कहा है तो अपन बैठ के तय करेंगे और आप जो निर्देश करेंगे बैठ के अपन ऐसा निर्णय लेंगे कि आने वाले समय में क्या करना है। आज सब लोग करा रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दरअसल राजपूत समाज की बैठकों का आयोजन होता रहा है, पिछले दिनों भी बैठक का आयोजन हुआ था जिसमें राजनीतिक मुख्य मुद्दा था। राजपूत समाज ये चाहता था कि पार्टी कोई भी हो, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हमारे समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सकल समाज की जहां तक बात करें तो उनका भी ये अभिप्राय था कि अगर राजपूत समाज आगे आती है तो हम सभी समाज के लोग इकट्ठा होकर उनको सहयोग करेंगे, किंतु सीट बंटवारे में देखा गया है कि ना तो बीजेपी की तरफ से हमें टिकट दी गई है और ना ही कांग्रेस की तरफ से टिकट दी गई है। इसी समीक्षा को लेकर हमने एक बैठक का आयोजन किया था, इसलिए आज राजपूत समाज की बैठक हमने आयोजित की थी और उसमें हमारे समाज के दोनों जो प्रतिनिधि हैं ये भी उपस्थित हैं और इसमें जो निर्णय लिए गए हैं अभी और आने वाले समय में परसों के दिन बैठक है उसमें मूलभूत निर्णय लिए जाएंगे। किस प्रकार से देख रहे हैं आप इस चुनाव? सभी को जय माता की। और आज मैं चुनावी संग्राम जो शुरू हुआ था और उसके टिकटों को लेकर हम लोग और जीतू भाई जो लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, तो मैं तो आज 1 महीने के बाद सिवनी मालवा लौटा हूं और सिवनी मालवा जैसे ही लौटा तो राजपूत समाज की एक जो बैठक हमेशा यहाँ भाटी हाउस पे होती आई है, इस भाटी हाउस पे बैठक हो रही थी और आज मुझे भी बुलाया कि आप लोग भी आओ।
क्योंकि कहीं ना कहीं टिकट बंटवारों को जो लेकर जो इस बार भाजपा और कांग्रेस ने जो किया है निर्णय, इसमें सिवनी मालवा की जितनी भी बड़ी समाज है उन समाजों को नजरअंदाज करते हुए टिकटों का वितरण किया है। तो आज राजपूत समाज के हमारे जो युवा साथी है, समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, आज वो सब लोग शामिल हुए हैं और बैठ के आज निर्णय लिया है उन्होंने आगे क्या होना है, क्या करना है। तो विगत आने वाले समय में कोई ना कोई राजपूत समाज कदम उठाएगा, सोच समझ के उठाएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। कांग्रेस और बीजेपी की अक्सर लड़ाई सिवनी मालवा में आने सामने है, इस बार उम्मीद मानी जाए कि अगर राजपूत समाज नाराज है तो कोई तीसरा विकल्प उठ के आएगा? नहीं, आ सकता तीसरा विकल्प की संभावना है, क्योंकि अभी जो टिकटें बटी है, अभी जो टिकट वितरण हुआ उससे राजपूत समाज नहीं, राजपूत समाज के साथ यादव यदवंशी समाज भी नाराज है, गौर समाज भी नाराज है, रघुवंशी समाज भी नाराज है। जो दोनों पार्टियां हरिजन आदिवासियों की बात करती है उनको आज तक टिकट नहीं दिया, उनको कब देगी, वो भी नाराज है। तो देखा जाए तो पहले किसी जमाने में लोकतंत्र में राजा रानी के पेट से पैदा हुआ करता था, आज प्रजातंत्र में मतदाता की पेटी से पैदा होता। तो जिनकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी को नहीं निभाते हुए पार्टियों ने निर्णय तो गलत लिया है, अब जनता के बीच में जाना पड़ेगा और जनता आप जानती है जनता होशियार है कि जनता किसका साथ देती है और किसका साथ नहीं देती। फैसला कब तक कर लेगा था? बस आज बैठक हुई है एक दो रोज में, क्योंकि 30 तारीख तक नामांकन का आखिरी समय, उससे पहले ही फैसला किया जाएगा। समाज में किस प्रकार का रोष देख रहे हैं टिकट वितरण के बाद? देखिए, जिस तरह शंभू भाई और हम लोग लगातार समाज के लोगों के साथ आगे बढ़ने का सपना देख रहे थे, समाज भी सपना देख रही थी कि एक बेहतरीन नेतृत्व हमको मिलेगा जो समाज को ही नहीं जो दूसरी समाजें हैं, जैसा कि राजपूत का हमेशा इतिहास रहा है कि वो जब जब रहा है और जहां जहां रहा है नेतृत्व किया है वहां की प्रजा खुशहाल रही है। तो इसी चीज को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया था कि चाहे कांग्रेस से हो चाहे भाजपा से हो, लेकिन राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व हो। लेकिन आपने देखा होगा जिस तरीके से टिकट वितरण हुआ उसमें राजपूत समाज को पूरे जिले में ही नहीं पूरे संभाग में नजरअंदाज किया गया है, जिसका मैं ये बोलना चाहूंगा कि खामियाजा दोनों पार्टियों कहीं ना कहीं भुगतना तो पड़ेगा। क्या आगामी आने वाले समय में राजपूत समाज की ओर से कोई कैंडिडेट उम्मीद कर सकते हैं सिवनी मालवा 135? जी, अभी मैं आपको इस चीज के लिए आश्वस्त करता हूँ कि राजपूत समाज आज इस चुनाव की दिशा और दशा बदलने की स्थिति में है, तो निश्चित ही आज एक बैठक जरूर राजपूत समाज के बंधुओं ने जो हमारे साथी हैं उनके द्वारा बुलाई गई, जिसमें हम उपस्थित हुए और आज कुछ निर्णय लिए गए हैं और आगामी जो बैठक होगी उसमें निर्णय लिए जाएंगे और निश्चित ही कोई बड़ा कदम राजपूत समाज उठाएगा।